सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा शेरावाली जी दा बोल सांचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री दुर्गायै नमः। ध्यान तुङ्गकुचान् नयनत्रययुक्तान् समेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशा भीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम्। ॐ ऋषिर्वाच देव्याः तत्र महासुरेन्द्र चन्द्रासुरावण्यपुरोगमस कात्यायनितुष्टभुरिष्टलाभात् विकाशिभक्त्राब्ज विकाशिताशः देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद माते जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेक महेश्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया तवेतत् आप्यायते कृष्णमलङ्गवीर्य वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्य विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्माहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्या समस्तस्तव देवि वेदः श्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमं भजेत का ते स्तुतिस्तव्य परा परोक्ति सर्वभूता जदा देवि स्वर्गमुक्तिप्रदायिनि त्वं सुधा सुरदेका वा भवन्तो परमोक्तया सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थित स्वर्गापवर्गले देवि नारायणि नमोऽस्तु ते काकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनि विश्वस्य भरतौ शक्ते नारायणि नमोऽस्तु ते सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके चरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते श्रीविनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते शरणागतलीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते अन्तर्युक्ताभिमानस्य ब्रह्माणि रूपधारिणि कौशाम्बाशरिके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते त्रिशूलचण्डाहिधरे महावृषभवाहिनि माहेश्वरि स्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तु ते भयोरकुक्कटभृते महाशक्तिधरे नखे कौमारीरूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तु ते
शंख चक्र गदाचारे परमायुधे प्रसीद वैष्णवे रूपे नारायणे नमस्तुते गृहेतो गवाचक्र दष्टो दिदिपसुन्दर वराहरूपिणे शिवे नारायणे नमस्तुते नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान्कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणे नमस्तुते किरीटिणि महावज्र सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्तप्राणहरिश्चन्द्रे नारायणे नमस्तुते शिवदूते स्वरूपेण हतदैत्य महाबले घोररूपे महारावे नारायणे नमस्तुते दशाकरालवदने शिरोमालाविभूषणे चामुण्डे मुण्डमदने नारायणे नमस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये शद्ये पुष्टिस्वदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणे नमस्तुते मेले सरस्वती वरे भक्तिभाव्रवितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणे नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्रं अशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो वेदभद्रकाली नमस्तुते ेयांसि स्वरेण पूजया जगत् सा घण्टा पातु नो देवी प्रापेभ्यो नः सुदानिव असुरा शृगवसापङ्का चर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता भय रोगान् शेषानभांसि दुष्टा रुष्टातु कामान् सकलान् वेष्टान् त्वामाश्रितानां न विपानराणां त्वामाश्रिताया शयतां प्रयान्ते एतत्कृतं यत् कलनां प्रयाध्य धर्मान् दिशां देवमासुराणाम् रूपेरनेकैर्वहदात्ममासे कृताम्बिकेतत्प्रकरोति कन्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वादेषु वाक्येषु च का त्वदन्या महार्त्वकर्तेति महान्धकारे विभ्रामयते तदेव विश्व रक्षांसि यत्राग्रविशाश्रणग यत्रारयोदस्य बलानि यत्र गावानलोयत्र तथाब्धि मध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्व विश्वेश्वरे त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसि विश्वं विश्वेश्ववन्द्या भवति भवन्ते विश्वाश्रयाय त्वयि भक्तिनम्रः देवे प्रसीद परिपालयनोरभीत नित्यायता सर्वदा तदुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु उत्पातपाकजनितांश्च मोहोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीदत्वं देवि विश्वातिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामेढलोकानां वरदा भव देव्यवाद वरदाहं सुरगणां वरं जन्मनसे चत वृणुतं प्रयच्छामि जगदामपकारकं देवा
सर्वावाद प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरे एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशन देव्योवाच वैवक्षरान्तरे प्राप्ते अष्टाविंशति मे युगे शुम्भानि शुम्भश्चैवान उत्पत्स्यते महासुर नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भव ततस्तानाभिच्छामि विन्ध्याचलनिवासने पुनरप्युतिभद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्यमिष्यामि विप्रचित्ता सुदानवान् वक्ष्यन्त्या च दानुग्रां विप्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति राजमे क्वशपापमः ततो मां देवता स्वर्गे मत्स्यलोके च मानवा सुवन्दौर्यारिष्यन्ति सदसंरक्तदन्तिकाम् भूय च शतवाचिक्यमृष्ट्यमणम्बसे मुनिवे संस्कृता भूमौ सम्भविष्यामि जोनियात् तदौषधेन नेत्राणाम् निरीक्षिष्यामि जन्मुनि कीर्तयिष्यन्ति मनुजः शताचिमिति मां तदा ततोऽहमखिलम् लोकम् आत्मदेह समुद्धवे भविष्यामि सुराशाके आवृष्टे प्राणधारके शाकम् वरीति विख्यातिम् तदा यस्यामहम् भवेत् तत्रैव वदिष्यामि दुर्गमाख्य महासुरम् दुर्गादेवीति विख्यातम् धर्मे नाम भविष्यते पुनश्चाञ्जलावेवम् रूपम् कृत्वा हिमाचले रक्षांसि वक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् त्वया मा मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानम् प्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातम् तन्मे नाम भविष्यते जलारुणाख्यस्ते लोके महाबाधाम् करिष्यते तदाहम् ब्राह्मणम् रूपम् कृत्वा शङ्के षट्पदम् त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरम् ब्राह्मरीति च माम् लोकास्तदा स्तुष्यन्ति सर्वदा इत्थम् यदा यदा वादानभोत्था भविष्यति तदा तदावतीयाहम् करिष्याम्यरि सञ्चया इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की संध्याकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामृत से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्य आरती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते हैं। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। ध्यान ॐ विद्युद्गामसमप्रभा मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणा कन्या विकरवालघेरविलसत् हस्ताभिरासेविता हस्ते चक्रगदाधिकेटविशिखास् चापङ्गुणान्तर्जने विभ्राणामणलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे त्वां दिव्यवाचम् एवित्तमेक्षमां नृत्यं शोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां वादां न च इच्छामि सञ्जयम् मधुकैरवनाशं च महिषासुरगातनम् कीर्तयच्छन्ति तत्प्रबलं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसा
श्रोचन्ति चैव भक्त्या मम महात्म्योत्तमम् न तेषां दुःखितं किञ्च दुःखितोऽर्थ न चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न ते वैष्टविजोजनम् शत्रुतो न वयं तस्य दस्युतो वा न राजतः न शत्रानरतो योगात् कदाचित् सम्भविष्यते तस्मान्नमेतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहिते श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्तयणहितात् उपसर्गाशेषान्तो महारे समुद्भवान् तदा त्रिविधोत्पादं माहात्म्यं शमयेन् मम यत्र तत्पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा तद्विभक्षामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम् बलिप्रदाने पूजाया अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममेतच्चरितम् उच्चायं श्राप्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजां ददा कृतम् प्रतिचित्यामहं प्रीत्या वर्ण्यहोमं ददा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते सा च वार्षिके तस्यामेतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्ते समन्वितः सर्वाबालाभिर्मुक्तो धनधान्यश्रुतान्वितः पुनश्चोमप्रसादेन भविष्यति न धन्धयः पराक्रमेतन्माहात्म्यं तथा चोरत्यः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः अपमान् देवमहासञ्चयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पञ्चमाहात्म्यं मम शृण्वदा शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने प्रपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं च जान्मम उपसर्गाः शमयन्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च निर्दिष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालकः विभूतानां बालानां शान्तिकारकम् सङ्गादवेदे जनिनां मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानां शेषानां बलहानिकरं परम् रक्षोभोगविशाचानां पदनादेवनाशनम् सर्वं मे तन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पाग्रधूपे च गन्धलेपे सदोत्तमे विप्राणां भोजैर्होमैः प्रोक्षणीयैर्हरणिशम् अन्ये च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेणय सुचरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तदारोग्यं प्रयश्यते रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम यद्देशो चरितं जन्म दुष्टदैत्यनिर्वहणम् तस्मिन् युगे वैलिखितं वयं पुंसां न जायते युष्माभिषुदयोजाचलम्भेषविकृता ब्रह्मणाजकृतास्तासु प्रयच्छन्ति शुभमदे अरण्ये प्रान्तदेवापि दावाग्नि परिवारितः दशविर्वाविदाशून्यगृहीतापापि शत्रुवे शृङ्गव्याघ्रानुजातो वा वने वावनस्वे राज्ञा क्रुद्धेन जाग्यप्तो वद्यो वन्दगतपि वा आगोनितो वातेन स्थितः पोते मानवे पदशोचापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे मृषदारुणे सर्वावादासु घोरासु वेदना व्यर्थितापि वा श्रवणमवेतो नरो मज्जेत सङ्गणात् मम प्रभावा सिंहाय दस्य भवेरणस्तदा गोरादेव पलायन्ते समर्थचरितं मम ऋषिर्वाच इत्युक्त्वा स भगवती चण्डिका चण्डविक्रम पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत देवि देवानिरातङ्का स्वाधिकारान्यता परा यज्ञभागवजा सर्वे चक्रविनेतारया दैत्याचरेभ्यः निहते चुम्बे देवयोयुधे जगने ध्वंसने तस्मिन् महाग्रे तुलविक्रमे विशुम्भे च महावीर्य शेषा पातालमायय एवं भगवती देवी सानित्यापि पुनः पुनः
जगत परिपाल विश्व विश्व प्रसूयते सजातिज्ञान तुष्टादित्य प्रयश्यते सकल ब्रह्मांडम मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारे स्वरूपया सेव काले महामारे सेव श्रेष्ठे भवत्या स्थिरं करोति भूतानां सेव काले सनातने भवकाले निरां सेव लक्ष्मे वृत्ते प्रदाग्रह सेवा भावे तथा लक्ष्मे विनाशायोपजायते स्तुता संपूजिता पुष्पे धूपगन्धादिवेत्तदा अथ शुद्धकुञ्जिका स्तोत्रम् शिवावाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तम येन मन्त्रप्रभावेण चण्डे जापः शुभ भवेत् नाकवचं नार्गला स्तोत्रं कीलकं नारहस्यकम् नाशौकं नाभिज्ञानं च नाम्यं च न च वाचनम् कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत् अतिगुह्यतरं देवी देवानामविदुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनेव पार्वते मारणं मोहनं वश्यं सम्भनोच्चाटनादिकम् पाठमात्रेण संसृत्य कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ गों हों क्लीं जों सः ज्वालय ज्वाल ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वलहं सं लं च फट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण नमस्ते मधुमर्दने नमः केशवहारिण्य नमस्ते महिषासने नमस्ते शुम्भहन्त्रे च निशुम्भासुरगातने जाग्रतं हि महादेवि जपं सिद्धिं कुरु श्रुणे ऐङ्कारि सृष्टिरूपाय ऋङ्कारि प्रतिपालिक ऋङ्कारि कामरूपिण्य बीजरूपे नमस्तुते चामुण्डा चण्डगाते च जयकारि वरदायने नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणे धां ह्रीं धां धर्यपदने भां ह्रीं भं भागधीश्वरे क्रां क्रीं क्रों कालिका देवी शां श्रीं सौम्य शुभङ्कर हं हं हङ्काररूपिण्ये जं 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 वरादने भ्रां ह्रीं भ्रों वैरवीवच भवने नमो नमः अङ्कं चं टं तं पं यं षं विधुं ऐं वीं हं षं द्विजाग्रं द्विजाग्रं द्रोणय द्रोणय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पां ह्रीं भुं पार्वती पूर्णा खां ख्रीं गों केचरे तदा सां सौं सत्यजतिरेभ्यः मन्त्रसिद्धिं करोष्व मे एवञ्चकुञ्जिका स्तोत्रं मन्त्रजागर्ति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् नाथस्य जायते सिद्धे अरण्ये रोदनायता श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेद व्यास द्वारा विरचित मार्कंडेय प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। विशेषतया आपके रोगों शत्रुओं दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है। मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री दुर्गा आपोद्धाराष्टकम्।
नमस्ते चरण्ये शिवेशानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणि चाहि दुर्गे नमस्ते जगच्चिन्त्यमानस्वरूपे नमस्ते महायोगि विज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणि चाहि दुर्गे अनाथ च दीनाथ दृशनाथ्वरश्च वयार्थस्य वेदस्य बद्धस्यन्त समेकागतिर्देविनिस्तारकर्त्रे नमस्ते जगत्तारिणि त्रयि दुर्गे अरण्ये धने दारुणे शत्रुमध्ये जले सङ्करे Yeah.
सरस्वती वंदना Yeah.
ਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸਾਂਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਅਭੀ ਸਭੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭਕਤ ਜਨ ਤੀਨ ਬਾਰ ਓਂਕਾਰ ਅਖੇ ਕਨਾਥ ਕਰੇਂਗੇ। ਏਕ ਸਾਥ ਉੱਚ ਸਵਰ ਸੇ ਲੰਬੇ ਸਵਰ ਸੇ ਹਿਰਦੇ ਸੇ ਵਾਸ ਨਿਕਾਲਤੇ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੇ ਚਰਨੋਂ ਮੇ ਯਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਤੇ ਹੋਏ, ਹੇ ਮਾਂ ਇਨ ਪਦੋਂ ਮੇ ਸਤੋਤਰੋਂ ਸੇ ਯਦੀ ਕਹੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਭਕਤੀ ਕਾ ਲੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਉਸੀ ਸੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਹਮਾਰੇ ਅਪਰਾਧੋਂ ਕੋ ਖਮਾ ਕਰੋ ਏਵਮ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਕੋ ਪੂਰਨ ਕਰੋ। ਐਸਾ ਮਨ ਮੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੇ ਚਰਨੋਂ ਭਾਵ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਆਪ ਸਭੀ ਭਕਤ ਜਨ ਤੀਨ ਬਾਰ ਏਕ ਸਾਥ ਓਂਕਾਰ ਰੱਖੇ ਕਾ ਨਾਦ ਕੀਜੀਏਗਾ। ਓਂਕਾਰਮ ਬਿੰਦੁਮ ਸੰਯੁਕਤਮ ਨਿਤਯੰ ਧਿਆਇਂਤਿ ਯੋਗਿਨਾ ਕਾਮਦੁਮ ਮੋਖਿਦੁਮ ਚੈਵ ਸ਼੍ਰੀ ਓਂਕਾਰਾਇ ਨਮੋ ਨਮਃ। ਯੋਗੀ ਜਨ ਬਿੰਦੂ ਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਇਸ ਓਂਕਾਰ ਕਾ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਮ ਏਵਮ ਮੋਖ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੇ ਲੀਏ ਧਿਆਨ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਹਮਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਓਂਕਾਰ ਸਰੂਪਾ ਹੀ ਹੈ ਤਥਾ ਇਸਕੇ ਆਦਿ ਏਵਮ ਅੰਤ ਮੇ ਇਸੀ ਅਖਿਰ ਕਾ ਗੁੰਜਾਜਮਾਨ ਸਦੈਵ ਹੋਤਾ ਰਹਤਾ ਹੈ। ਓਂਕਾਰ ਅਖਿਰ ਕੇ ਜਾਪ ਸੇ ਉਚਾਰਨ ਸੇ ਕਈ ਆਦਿ ਵਿਆਧਿਓ ਕਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੀ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਹੇ ਮਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਵ ਅਖਿਰ ਓਂਕਾਰ ਮੇ ਆਕਾਰ ਓਕਾਰ ਔਰ ਮਕਾਰ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਏਵਮ ਮਹੇਸ਼ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇ ਆਪਕੀ ਨਿਤ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤਥਾ ਬਿੰਦੂ ਸਰੂਪਾ ਅਰਧ ਮਾਤਰਾ ਜਿਸਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸੇ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਤਾ, ਵਹ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਸੱਚੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਅਭੀ ਆਪ ਸਭੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭਕਤੋਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤਨਮਯਤਾ ਸੇ ਤਲੀਨ ਹੋਕਰ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੋਕਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੇ ਇਸ ਦਿਵਯ ਪਾਠ ਕਾ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਆ। ਜਿਸ ਸ਼ਰਧਾ ਸੇ ਆਪ ਸਭੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਠ ਕਾ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਆ ਹੈ, ਸਵਯਂ ਪਾਠ ਕੀਆ ਹੈ, ਉਸੀ ਰੂਪ ਮੇ ਜਗਦੰਬਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਕਰ ਆਪਕੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਕੋ ਪੂਰਨ ਕਰੇ, ਐਸੀ ਮਾਤਾ ਇਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਵਸ਼ ਮੇ ਪੂਰਨ ਹੋਤੀ ਹੈ ਵਰਨ ਭਕਤੀ ਭਕਤੀ ਮੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਏਵਮ ਇਕਾਗਰਚਿਤੀ ਹੋ। ਯੇ ਯਥਾ ਮਾਮ ਪ੍ਰਬਧਯੰਤੇ ਤਾਂਸ ਤਥੈਵ ਭਜਾਮਿਹਮ, ਮੁਝਕੋ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਜਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸਕੋ ਵੈਸਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਤਾ ਹੂੰ। ਏਵਮ ਅਨਨਿਆਸ ਚਿੰਤਯੰਤੋ ਮਾਮ ਯੇ ਯਣਾਹ ਪਰਉਪਾਸਤੇ ਤੇਸ਼ਾਮ ਨਿਤਯਾਭਯੁਕਤਾਨਾਮ ਯੋਗਖੇਮਮ ਭਾਮਿਹਮ। ਪ੍ਰਭਕਤਜਨ ਅਨਨਯ ਭਾਵ ਸੇ ਅਨਨਯ ਚਿੱਤ ਸੇ ਮੇਰਾ ਸਮਰਨ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਉਨਕਾ ਯੋਗਖੇਮ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਯਂ ਵਹਨ ਕਰਤਾ ਹੂੰ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੀਤਾ ਮੇਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਵਯਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹੀਂ ਪਦ ਮੇਂ ਸਤੋਤਰੋਂ ਮੇਂ ਜਿਨਕਾ ਆਪਣੇ ਪਾਠ ਕੀਆ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਆ ਆਪਣੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਹੁਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਤਵੇਸ਼ਚ ਮਾਮ ਨਿਤਯਮ ਸਤੋਸ਼ੇ ਜਾ ਸਮਾਹਿਤਾ ਤਸਾਹਮ ਸਗਲਾ ਬਾਧਾਮ ਨਾਸ਼ਿ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 ਸ
माता जी कह रही हैं कि जो एकाग्र चित्त होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा उसकी सारी बाधा मैं निश्चय दूर कर दूंगी। विशेष रूप से मधु केडव नाशम च महिषासुर घातनम कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद्भदम शुम्भन शुम्भो, जो मधु केडव का नाश महिषासुर का वध तथा शुम्भन शुम्भ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टम्याम च चतुर्दश्याम नवम्याम च एकचेतसा शोष्यन्ति चैव जय भक्त्या मम महात्म्यम उत्तमम्। अष्टमी चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्रचित हो भक्तिपूर्व मेरे उत्तम महात्मा श्रवण करेंगे न तेषाम दुष्कृतम किंचित दुष्कृतोत्था न चावदा भविष्यति न दारिद्र न चैवेष्ट विनम, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा, उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी, उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के विषयों का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं शत्रु तो न भयम तस्य दसो न रायता न शस्त्राणल तो घात कदाचित संभविष्यति, उन्हें शत्रु से लुटेरों से राड़ा से शस्त्र से अग्नि से अजल की राशि से कभी भय नहीं होगा। इसलिए महाराज कह रही हैं कि तस्मान ममेतन महात्म्यम पठितव्यम समाहिते ही श्रोतव्यम च सदा भक्त्या परम सस्थिरता, सबको एकाग्रचित होकर भक्तिपूर्व मेरे इस महात्म को साथ पढ़ना और सुनना चाहिए, ये परम कल्याणकारक है। सचिया ज्योता वाली माता जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। इस जगत में जभी जभी भी केवल हम ही भक्तों पर नहीं सब देवताओं पर राजा महाराजाओं पर अथवा अवतारों पर भी जब कोई घोर संकट का आह्वान पड़ता है और उस समय जब कोई विशेष देवता उनकी सहायता नहीं कर पाता तो अंत में वे इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण करते हैं और माता रानी जी उनकी स्तुति द्वारा प्रसन्न होकर के तत्काल दर्शन दे करके उनके सभी प्रकार के कष्टों को सदा के दूर कर देती हैं, मनोकामना को पूर्ण करती हैं। आप जानते हैं कि जब कंस अपनी वहन देवकी को रथ पर बिठा करके विवाह के उपरांत वसुदेव के साथ बड़ी प्रसन्नता के साथ विदा कर रहा था उसी समय ये आकाशवाणी हुई थी कि कंस जिस बहन को तो बड़ी प्रसन्नता के साथ विदा कर रहा है उसी का आत्मा गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, तेरा वध करेगा। और ऐसा सुनते ही उसने जट से म्यान से तलवार बाहर निकाल ली थी और वो देवकी का वध करने के लिए उद्यत हो गया था, परंतु वसुदेव जी ने समझाया था कि स्त्री का वध करना शास्त्र सम्मत नहीं है, आपको इसके पुत्रों से भय है, इसके द्वारा जो भी पुत्र उत्पन्न होगा मैं आपकी भेंट कर दिया करूंगा। और ऐसा सुन करके कंस ने तलवार म्यान में डाल ली और दोनों को रथ में बिठा करके मथुरा ले गया और जाते ही उनको कारागार में डाल दिया, उनके हाथ पैरों में बेड़ियां डाल दी। तत्पश्चात उनके जो भी पुत्र उत्पन्न होता था वह कंस को दे देते थे और कंस उसको पत्थर पर पड़ करके उसका वध कर देता था। इस प्रकार वारी वारी कंस ने देवकी के छह पुत्रों का वध कर दिया जिससे दोनों वसुदेव तथा देवकी जो शोकग्रस्त रहते थे। एक दिन उन्हें चुपके से कारागार में ज्योतिष शास्त्र के आचार्य उनके कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी को वहां बुलाया और उनका आदर सम्मान करके उनसे प्रार्थना की कि महाराज ऐसा कोई जप पूजा पाठ दान बताइए जिसके द्वारा हमारे घर में आयुष्मान पुत्र उत्पन्न हो क्योंकि कंस ने हमारे छह पुत्रों का वध कर दिया। उस समय गर्गाचार्य कह रहे हैं कि इसके लिए आप दुर्गा माता की समाराधना करो, वह माता रानी प्रसन्न होकर भक्तों की सभी दुर्गतियों का नाश कर देती हैं, कल्याण करती हैं। परंतु वसुदेव जी ने उनसे कहा कि महाराज हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप ही हमारे लिए दुर्गा माता की आराधना कर दो क्योंकि हम कंस के कारागार में हैं और ऐसा करने में असमर्थ हैं। तब गर्गाचारी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि अवश्य मैं आपके लिए ये करूंगा। और वह ब्राह्मणों को लेकर के ऋषियों को साथ लेकर बिंद पर्वत गए, वहां उन्होंने विधि पूर्वक दुर्गा माता की समाराधना की और आकाशवाणी हुई कि कंस गर्गाचार्य जी मैं आपकी समाराधना से प्रसन्न हूँ और अभी मेरी ही प्रेरणा से स्वयं भगवान विष्णु अपने अंश से देवकी के गर्भ से जन्म लेंगे और वसुदेव जी उनको गोकुल में ले जाएंगे और मेरे अंश से उत्पन्न हुई यशोदा के गर्भ से जो कन्या उसको ले आएंगे वो कंस को देंगे और कंस जैसे ही उसको पत्थर पर पड़ने लगेगा उसके हाथ से छूट करके वे आकाश में 18 बजे रूप धारण करके कहेगी कि अहम ही वैष्टि माया तस्यामेव जगद्गुरु, मैं उस जगद्गुरु की वैष्टि माया हूँ, कंस तेरे मारने वाला गोकुल में उत्पन्न हो गया है। ऐसी आकाशवाणी को सुन करके गर्गाचारी प्रसन्न हुए और उन्होंने सारा वृत्तांत आकर के मथुरा में वसुदेव जी को बताया जिससे वसुदेव जी प्रसन्न हुए। और आप जानते हैं कि माता जी की प्रेरणा से स्वयं भगवान विष्णु ने अपने अंश से देवकी के गर्भ से कृष्ण के रूप में जन्म लिया।
अतः सभी माताएं बहनें जिनके घर जो संतान नहीं है वो विशेष करके इन गुप्त नवरात्रों में श्रीमद देवी भागवत कथा का श्रवण कर सकती है। दुर्गा माता की सभा आराधना, क्योंकि माता जी ने स्वयं कहा हुआ है श्रीमद देवी भागवत ने कि जो मित बत्सा है काक बंद्य है बंद्य है वो श्रीमद देवी भागवत कथा का श्रवण करने से संतान प्राप्त कर सकती है। इस समय गुप्त नवरात्र चल रहे हैं और आप श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ, नवान मंत्र का जप, श्रीमद देवी भागवत का पाठ और विशेष करके जो तंत्र साधना में तत्पर हैं वे दस महाविद्याओं की आराधना कर सकते हैं और उसमें जो प्रथम रूप जो है दस महाविद्याओं में माता काली की आराधना करके अपनी तंत्र साधना में अग्रसर हो सकते हैं। आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनका उन्हीं के धाम में आज माता महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती जी आदि काल से संपूर्ण विश्व भर में संयुक्त रूप में केवल यहीं विराजमान होती हैं। आपको शक्ति ऐश्वर्य ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही हैं। तीनों महाशक्ति जड़ मूल से एक हैं, उपा के तीन स्वरूप और इन्हीं के चरणों से गंगा स्नान करती परिक्रमा करती बह रही हैं, जिसमें आप स्नान करते हैं, चरणावत ध्यान करते हैं। इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पर गणपति महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुक तथा प्रहलाद जी और साथ में माता जी का वरद हस्त भक्तों प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिवलिंग रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र, बीज मंत्र ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्छे कालिकाल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐम के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है, ह्रीम के चरण से धन ऐश्वर्य मिलता है, क्लीम के चरण से शक्ति प्राप्त होती है, चामुंडा माता जी का नाम एवं बिच्छे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती हैं। आइए इसी निवारण मंत्र का उच्चारण माता चरणों में बैठे हुए हम सभी भक्ति आरती तीन बार करें। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा जय विच्छे, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा जय विच्छे, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा जय विच्छे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जय विच्छे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जय विच्छे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जय विच्छे। सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा, जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। घर में भी नित्य प्रति स्नान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले। दुर्गा वैष्णो माता आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं अपने मन में संजोए माता के प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहें। सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा, जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की बेला है, सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता की भेंटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री मणिंद्र जी से, अपनी मधुर भजन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री मणिंद्र। जय करा शिरवन जिदा बोल सच्चे दरबार की जय। मेरा वाली दे दबारे पीला शेर गजदा, मेरा वाली दे दबारे पीला शेर गजदा, ओ मेरा वाली दे दबारे पीला शेर गजदा, मेरा वाली दे दबारे पीला शेर गजदा, ओ मेरा वाली दे दबारे पीला शेर गजदा, मेरा वाली दे दबारे पीला शेर गजदा, ओ मेरा वाली दे दबारे पीला शेर गजदा, शेर कर देगा
सकल बिच धनिए होशल पीले शेर दी की निशानिए मथे उठ दिक गल बिच गानिए मथे उठ दिक गल बिच गानिए मथे उठ दिक गल बिच गानिए नचदाए त जद ढोल बजदा ਸ਼ੇਰ ਗੰਜਦਾ ਪੀਲਾ ਸ਼ੇਰ ਗੰਜਦਾ ਸ਼ੇਰ ਗੰਜਦਾ ਪੀਲਾ
ਦਰਬਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਵਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਉਤਸੁਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਵਾਲੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਉਨਾ ਤੋੜੀ ਦਾਤੀਏ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਡੋਰ 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 ਉਨਾ ਤੋੜੀ ਉਨਾ ਤੋੜੀ ਉਨਾ ਤੋੜੀ ਦਾਤੀਏ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਡੋਰ ਉਨਾ ਤੋੜੀ ਦਾਤੀਏ ਡੋਰੀ ਟੁੱਟਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਏ ਉਹ ਗੱਲ ਫੇਰ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਫੇਰ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਮਗਦੋ ਗੱਲ ਫੇਰ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਡੋਰੀ ਟੁੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਉਹ ਗੱਲ ਫੇਰ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਫੇਰ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਫੇਰ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮਈਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਬਣ ਨਾ ਕਠੋਰ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਬਣੀ ਨਾ ਕਠੋਰ ਕਿਤੇ ਬਣੀ ਨਾ ਕਠੋਰ ਹੁਣਾ ਬਣੀ ਨਾ ਕਠੋਰ ਹੁਣਾ ਬਣੀ ਨਾ ਕਠੋਰ ਨਾ ਤੋੜੀ ਦਾਤੀਏ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਡੋਰ 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 ਪ੍ਰੇਮ ਤੇਰੇ ਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਾਂ ਉਡੀਕਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਾਂ ਉਡੀਕਾਂ ਮਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਾਂ ਉਡੀਕਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇਰੇ ਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਾਂ ਉਡੀਕਾਂ ਮਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਾਂ ਉਡੀਕਾਂ ਮਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਾਂ ਉਡੀਕਾਂ ਨਾ ਜਾਣ ਗੂੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਪਰੀਤਾ ਗੂੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਪਰੀਤਾ ਮਾਂ ਗੂੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਪਰੀਤਾ ਦੇਖੀ ਕਿਧਰੇ ਤੁਰ ਨਾ ਜਾਣ ਗੂੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਪਰੀਤਾ ਗੂੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਪਰੀਤਾ ਮਾਂ ਗੂੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਪਰੀਤਾ ਪਾਵਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ੋਰ ਮੇਰਾ ਚੱਲ ਦੰਦ ਜੋ ਪਾਵਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ੋਰ ਮੇਰਾ ਚੱਲ ਦੰਦ ਜੋ ਹੁਣ ਨਾ ਤੋੜੀ ਹੁਣ ਨਾ ਤੋੜੀ ਤੋੜੀ ਦਾਤੀਏ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਡੋਰ ਉਨਾ 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 ਤੋੜੀ ਦਾਤੀਏ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਡੋਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਈਆ ਤੇਰੀ ਜੋਗਣ ਹੋਈ ਤੇਰੀ ਜੋਗਣ ਹੋਈ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਜੋਗਣ ਹੋਈ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਪੀਠ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਈਆ ਤੇਰੀ ਜੋਗਣ ਹੋਈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਜੋਗਣ ਹੋਈ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਜੋਗਣ ਹੋਈ ਉਹ ਹਾਲਤ ਮੇਰੀ ਐਸੀ ਹੋਈ ਨਾ ਜੂਦੀ ਨਾ ਮੋਈ ਨਾ ਜੂਦੀ ਨਾ ਮੋਈ ਮਾਂ ਨਾ ਜੂਦੀ ਨਾ ਮੋਈ ਉਹ ਹਾਲਤ ਮੇਰੀ ਐਸੀ ਹੋਈ ਨਾ ਜੁਦੀ ਨਾ ਮੋਈ ਨਾ ਜੁਦੀ ਨਾ ਮੋਈ ਮਾਂ ਨਾ ਜੁਦੀ ਨਾ ਮੋਈ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਨਾ ਦੀ ਤੋੜ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਡੋਰ ਕਿਤੇ ਜੱਦੀ ਨਾ ਤੋ ਡੋਰ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਡੋਰ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਨਾ ਦੀ ਤੋੜ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਡੋਰ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਨਾ ਦੀ ਤੋੜ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਡੋਰ ਨਾ ਤੋੜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਡੋਰ ਹੁਣ ਨਾ ਤੋੜੀ ਦਾਤੀਏ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਡੋਰ ਹੁਣ ਨਾ ਤੋੜੀ ਦਾਤੀਏ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਡੋਰ ਹੁਣ ਨਾ ਤੋੜੀ ਦਾਤੀਏ
ਡੋਰ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਮਈਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਿਆਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਿਆਈ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਿਆਈ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਮਈਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਿਆਈ ਹੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਿਆਈ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਿਆਈ ਮਈਆ ਮਾਫ ਕਰੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ ਲਾਈ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ ਲਾਈ ਮਈਆ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ ਲਾਈ ਚੁੱਕ ਮਈਆ ਮਾਫ ਕਰੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ ਲਾਈ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ ਲਾਈ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ ਲਾਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਥੋਰ ਤੇਰੇ ਵਾਜੂ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਰ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਦੋਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜ ਤੇਰੇ ਵਾਜੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋੜੀ ਜਹਾਂ ਤੋੜੀ ਜਹਾਂ ਤੋੜੀ ਦਾਤੀਏ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਦੋਰ ਉਹਨਾਂ 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 ਤੋੜੀ ਦਾਤੀਏ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਡੋਰ 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 ਉਹਨਾਂ ਤੋੜੀ ਦਾਤੀਏ ਵਾਲੀ ਡੋਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋੜੀ ਦਾਤੀਏ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਡੋਰ 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 ਜੇਕਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਹੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਇੱਕ ਬੇਨ ਪ੍ਰੋਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਹੋਰ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਤੂੰ ਬੁਲਾਇਆਂਗੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਤੂੰ ਬੁਲਾਇਆਂਗੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਸੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਤੋੜ ਦੇ ਅਨਕੋ ਜਗਦੰਬੇ ਕੇ ਚਰਨੋ ਮੇ ਜੋੜ ਦੇ ਹੋਵਣ ਕੋ ਜਗਦੰਬੇ ਕੇ ਚਰਨੋ ਮੇ ਜੋੜ ਦੇ ਸਭ ਆਸ਼ਾ ਦਾਤੀ ਪੂਜਾ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰੀ ਸਭ ਆਸ਼ਾ ਦਾਤੀ ਪੂਜਾ ਜਾਏਗੀ ਤੂੰ ਬੁਲਾਇਆਂਗੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਆ ਜਾਏਗੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਬੁਲਾਇਆਂਗੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਆ ਜਾਏਗੀ ਬੁਲਾਇਆਂਗੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਗਤੀ ਤੇ ਮਾਂ ਕੇ ਜੋ ਤੂੰ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਭਗਤੀ ਤੇ ਮਾਂ ਕੇ ਜੋ ਤੂੰ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਗੇਗਾ ਵਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਪਾਏਗਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਗੇਗਾ ਵਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਪਾਏਗਾ ਰਗ ਰਗ ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਾ ਜਾਏ ਉਹ ਤੇਰੀ ਰਗ ਰਗ ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਾ ਜਾਏਗੀ ਤੂੰ ਬੁਲਾਇਆਂਗੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਆ ਜਾਏ ਮਾਂ ਤੂੰ ਬੁਲਾਇਆਂਗੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਆ ਜਾਏਗੀ ਤੂੰ ਬੁਲਾਇਆਂਗੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਆ ਜਾਏ ਹਾਂ ਤੂੰ ਬੁਲਾਇਆਂਗੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਆ ਜਾਏਗੀ ਉਸਦਾ ਦਰ ਛੋੜ ਕਰ ਨਾ ਭਟਕ ਜਾਏ ਛੋੜ ਕਰ ਨਾ ਭਟਕ ਦਰ ਬਦਲ ਉਹ ਤੋਂ ਉਜੜੇ ਬਸਾ ਦੇਤੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਗਰ ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਉਜੜੇ ਬਸਾ
सेवा देती है लाखों घर। अम्बे की शक्ति से नाथ हो गए खबर, अम्बे की शक्ति से नाथ हो गए खबर। वो जो चाहेगी करके दिखा जाएगी, वो जो चाहेगी करके दिखा जाएगी। अम्बे कह के बुआ जाएगी, बोला अम्बे कह के बुआ जाएगी। हाँ तो बोला अम्बे कह के बुआ जाएगी। माही बच्चों की बिगड़ी बनाया करे, ओ माही बच्चों की बिगड़ी बनाया करे। सुख मिटाया करे सुख पहुँचाया करे, सुख मिटाया करे सुख पहुँचाया करे। याद जब भी करे जब भी करे चढ़ आया करे। क्या कहूँ क्या क्या चक्कर चला जाए, हाँ क्या कहूँ क्या क्या चक्कर चला जाएगी। वो बोला अम्बे कह के वो आ जाए, हाँ तू बोला अम्बे कह के वो आ जाएगी। ओ मैया तेरी भी बिगड़ी बना, ओ मैया तेरी भी बिगड़ी बना जाएगी। वो बोला सांझ पे इनी दिन छुप गया निमा, सांझ पे इनी दिन छुप गया निमा। हो रही जय जय कार मंदिर आरती जय भवन जय आरती जय
कर रहे हैं श्री मणिंदर। जयकारा शिरवल जीरा खुशी मनाते आए बचड़े माई दे, खुशी मनाते आए बचड़े माई दे, हाँ खुशी मनाते आए बचड़े माई दे, खुशी मनाते आए बचड़े माई दे, हाँ ढोल बजाते आए बचड़े माई, ढोल बजाते आए बचड़े माई दे, हाँ ढोल बजाते आए बचड़े माई दे, ढोल बजाते आए बचड़े माई दे, हाँ खुशी मनाते आए बचड़े माई दे, खुशी मनाते आए बचड़े माई दे, हाँ खुशी मनाते आए बचड़े माई दे, खुशी मनाते आए बचड़े माई दे, thank you.
भगत प्यारे भक्ति देव भगत प्यारे भाग सरांदे आए बचने माई दे 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 भाग खुशी मनांदे आए बचने माई दे खुशी मनांदे आए बचने माई दे ओ ढोल बजांदे आए बचने माई दे ढोल बजांदे आए बचने माई दे ओ जेड़ा बोले जय मां बोले अमृत कौन अमृत कौन हो जेड़ा बोले जय मां बोले जेड़ा बोले जय मां बोले हो कन्ने दे बिच अमृत कौन कन्ने दे बिच अमृत कौन हो तीर्थ नो आंदे आए बचने माई दे तीर्थ नो आंदे आए बचने माई दे तीर्थ नो आंदे आए बचने माई दे जयकारा श्री अलीदा सच्चे दरबार की जय ओम नागाधीश्वर वेष्टरा फणि फनो तुम सोरु रत्नावली देहलताम देवा करणेवा तयोधासिता माला कुंभ कपाल नीरज करा चंद्रार्थ चूड़ांबरा सर्वज्ञेश्वर भैरवांक निलया पद्मावती चिंतये सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदाई जय जयकारा शेरा वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। आज की परम पावन संध्याकालीन आरती वेला में दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांग में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनको विशेष या प्रथम गुप्त नृत्य में माता जी के चरणों में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज के दिन जब पूजा पाठ दान द्वारा अक्षय फल की प्राप्ति होती है। आप सभी का माता जी के दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। ओम पूर्ण स्वादित्या रुद्रा वसवा सविंध दान पुनर्ब्रह्मानु वसुनीथ यते रितेन तन्नो वर्धयस सत्या संतु जजमानस कामा मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिनाशो अस्तु मित्राणाम उदयस्तव श्रीवर्चस्व आयुष्मारोग्य माभिदात् शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। आपकी दीर्घायु हो, आपका आरोग्यता प्राप्त हो,
अब धन धन से संपन्न हो। जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों। अब सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हूँ। सचियां जोतां वाली माता तेरे सदा जयकारा शेरा वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्त उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी आरती बोलेंगे। सामने दीवार पर आरती लिखी हुई है, आपकी पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर भी आरती है, सभी बोलेगा। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी तुम को निश दिन जावत मैया जी को निश दिन जावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओ जय अम्बे गौरी भागत दूर विराज को मृग मद को ओ जल से दो नैना ओ जल से दो नैना गंग बदन नी को I'm
शीतल पावन देवत नारद नारी वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज माता जी पूजा करके गुफा द्वार पर पधार चुके हैं, इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। तत्पश्चात माता जी आरती होगी, आरती अब सभी भक्तों के बीच में आएगी। सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना। प्रेम से बोलो जय माता दी, कल फिर बोलो जय माता दी, रहोय बेला जय माता दी, सत्या बेला जय माता दी, आरती बेला जय माता दी, आप बोलो जय माता दी, जय माता दी, राज जय जय माता दी, दुनिया भक्ति जय माता दी, हरे कृष्ण जय माता दी, तोला जय माता दी, दुर्गा भक्ति जय माता दी, वीर जति जय माता दी, हाल जति जय माता दी, आने दुनिया जय माता दी, जय माता दी, हरि गदाते जय माता दी, छोटा वाली जय माता दी, लाटा वाली जय माता दी, छोटा वाली जय माता दी, दुनिया वाली जय माता दी, दुनिया वाली जय माता दी, हरा वाली जय माता दी, छोटा वाली जय माता दी, छोटा वाली जय माता दी, छोटा वाली जय माता दी, दुनिया वाली जय माता दी, भवना वाली जय माता दी, शेरा वाली जय माता दी, गोपा वाली जय माता दी, जय माता दी, महारानी जय माता दी, सिद्धि रानी जय माता दी, देवी जय माता दी, महाकाली जय माता दी, शक्कर वाली जय माता दी, शक्ति देती जय माता दी, शक्ति नैया जय माता दी, भक्ति द्वारी जय माता दी, हरे गजाने जय माता दी, सोला याने जय माता दी, भरत जी मां जय माता दी, भक्त द्वारी जय माता दी, विद्यानंदी जय माता दी, ज्ञान नंदी जय माता दी, बुद्धि नंदी जय माता दी, भक्ति नंदी जय माता दी, भक्तिया जोतावारी माता सभी भक्त यहाँ दोनों हाथ जोड़ करके माता जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो जहि, यशो देहि दिशो जहि, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती अक्रम देखिएगा। जय माता रथ में गुरु जी को वंदना, तृतीय आद गले तृतीय सुमरण शारदा, मेरे कार्य करो हमेश जय मां, आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण, मैं आज कर सो सत कर
खड़गम चक्र गेशु चाप परिगान शूरंभ शुंडिम शिरा शंखम दंडर वेंकटेश नयना सर्वांग भूषावृता लीला शृंग मातवाद दशका देवे महाकालिका यामस्तो सविदेहरौ कमलजो अंतम मधुम चेतवान अक्षरशुंगम धनुष्कुंडिका दंडम शक्तिमसिंच धर्म जलजम घंटा सुराभाजन शूरम भाज सुदर्शने जलगति हस्ते प्रसन्नानना देवे सेवभर्जनी नमः लक्ष्मी सरोजस्थिता घंटा शूलहलानि शङ्खमुद्रे चक्रम गणोसायकम् हस्ता दीर्घते गणान्तविरसत् श्वेताश दुर्लभप्रभा गौरी देहसमुद्गवां सुजरता आधारभूतामा पूर्वा हस्त सरस्वती मन्वजे शुम्भादि दत्यादिनी त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव शान्ताकारं भुजगशरणं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनदर्शिषं वेगवर्णनं सुमां लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगं वन्दे विष्णुमवरणं सर्वलोकैकनाथं अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णाभोजनं वासुदेवं वन्दे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं हरे मुरारे मधुकेतवारे गोविन्द गोपाल मासन्त्यशोरे ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि विद्यां प्रदेहि भगवन् नमोस्ते हे माय मेरी सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा पंच गुना रानी माता तेरी सदा सर्वसदा भला करण वाली माता तेरी सदा सारे संसार में शांति देने वाली माता तेरी सदा गुना चुका माफ करने वाली माता तेरी सदा झुंकड़ा भीर ठाकुर तेरी सदा बोलो सच्चे दरबार की जय धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो भारतवर्ष 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 बोलो हर 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 महादेव बोलो बाबा श्री घर की जय सनातन धर्म की जय गो माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय आप सभी भक्तों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। बोलो सच्चे दरबार की जय।